क्रिकेट के बेताज बादशाह विराट कोहली ने बताया एक बार फिर के भाई मैं क्यों किंग हूं, मैं क्यों गोट ग्रेट ऑफ ऑल टाइम हूं भाई। 92 रन्स एंड T20 मैच इंडिया में बातें चल रही हैं। विराट कोहली का स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है और बड़े बड़े प्लेयर सुनील गावस्कर जैसे प्लेयर बात कर रहे हैं विराट कोहली छक्के नहीं लगा रहा, विराट कोहली स्पिन पे स्लो है, विराट कोहली का इंटेंट अच्छा नहीं है, विराट कोहली हमें T20 मैच हरवाता है, ऐसे ड्रॉप करो। तो भाई वो बंदा किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली ने बताया है भाई मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है। और अभी होए 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 किंग कोहली किंग कोहली किंग कोहली 195 का स्ट्राइक रेट, 7 चौके 6 छक्के, 47 बॉल, 600 जो है कि आईपीएल के रन्स, और आज के 92 रन्स यार सेंचुरी मिस हो गई विराट कोहली की। माल की आज आरसीबी वालों की जानिब से परफॉर्मेंस देखने को मिली है, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो फील्डिंग हो। और यार मुझे कोई ये बता दे कि ये विराट कोहली किस मिट्टी का बना हुआ है ये बंदा भाई, कि मैच में अपना 100% देने से पीछे ये बंदा नहीं रहता है। पहले जब बैटिंग की बारी आई तो 92 रन्स की एक कमाल की और लाजवाब इनिंग्स खेल के आरसीबी की टीम को 241 तक पहुंचा दिया। जब फील्डिंग की बारी आई तो एक ऐसे जो वो विकेट लेके दे दी ना कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और ये बहुत बड़ा संकट है शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह और हारिस रऊफ टेपिये के लिए कि बेटा सबर करो, जितना भी तुम लोगों ने मस्ती वस्ती करनी आयरलैंड के खिलाफ इंग्लैंड के खिलाफ कर लो, क्योंकि अब्बू से जब कह रहे थे आरसीबी नहीं जीत पाएगी आरसीबी नहीं जीत पाएगी, साला आरसीबी ने यहां पर मुक्के मार मार के अपने हेटर्स के मुंह बंद कर दिए, क्योंकि आरसीबी इज स्टिल ऑन फॉर क्वालिफाई फॉर टॉप 4। देखो हो सकता है, मुझे पता है मेरे घंटे के फैंस इस टाइम पर रेंडी रोना कर रहे होंगे अपना कि भाई ये क्या हो गया, मतलब हम तो इंतजार कर रहे थे कि आरसीबी हारे और फिर हम क्रिटिसाइज करें कि भाई कोहली के रन्स का क्या फायदा हुआ अगर आरसीबी हार गई तो। लेकिन भाई आज इस आज यकीन करो पैसा वसूल मैच हुआ, यकीन जिस जिस ने मैच नहीं देखा बेटा एक काम करो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ और प्लेऑफ तक ऐसा जाए पूरी दुनिया शॉक हो जाएगा यार, ये तो बॉटम ऑफ द टेबल से तो ये प्लेऑफ में कैसे आएगी, पता कैसे आएगी जहां पे विराट कोहली जहां पे आ जाए ना वो टीम जल्दी बाहर हो ही नहीं सकती। विराट कोहली लगातार परफॉर्म करते आ रहे हैं और उनकी कोशिश 110% है कि भाई मैंने ट्रॉफी विन करवानी है। बड़े ही जो है वो मुश्किलों से जो है वो दीदावर में हुआ बच्चा पैदा क्या हुआ जो भी वो पैदा हो गया, लेकिन अब देखिए विराट कोहली आज भाई अपनी फुल फॉर्म में थे, 92 स्कोर करके गए हैं, उसके बाद अगर उनकी बैटिंग लाइन देखें बॉलिंग लाइन देखें भाई दोनों जो है वो जाग गए हैं उनकी दोनों। विराट कोहली की बैटिंग की स्पेशलिटी है कि बैटिंग में वो कमाल है सब कुछ है, और जो करेक्टर है आज भी आपने देखा होगा रायली रूसफ जब आउट हुआ तो रायली रूसफ ने ऐसा साइन बनाया, तो फिर जब वो नहीं 50 की ऐसा साइन बनाया, फिर जब आउट हुआ तो फिर विराट कोहली ने भी ऐसा बनाया, ये विराट कोहली करैक्टर है। और उसके अलावा जो एक और चीज विराट कोहली को स्पेशल बनाती है वो उसकी फील्डिंग है यार। आज जिस तरह से शशांक सिंह की वो थ्रो लगी इतना सा गैप था ये चीज है विराट कोहली की यार। विराट कोहली जब मैदान पे होता है ना भाई, शेर जब जंगल में होता है ना, शेर शिकार ना भी करे तो वो शेर होता है, विराट कोहली की वो वाली अहमियत है, बरंस करे ना करे वो जब ग्राउंड में होता है ना तो वो लगता है यार कोई शेर ग्राउंड में है, मतलब इतना मतलब वो ऐसे गिरा हुआ से थ्रो मारी है आप देखो यार आप हैरान हो गए किस शशांक सिंह जो है ना बिल्कुल इतने से गैप के साथ बेचारा आउट हुआ है। और वही गेम चेंजिंग था शशांक और आशुतोष ने तो इस आईपीएल में तबाही मचाई हुई थी किंग्स इलेवन पंजाब के लिए। बहरहाल यार विराट कोहली तो अच्छा खेले, विराट कोहली ग्रेट प्लेयर, बट विराट कोहली से भी अच्छा एक प्लेयर खेला है वो है रजत पाटीदार। ये टेस्ट सीरीज में फ्लॉप हो गया था इंग्लैंड के खिलाफ, बट क्या कमबैक किया T20 में और क्या वैल्यू, मतलब ये कोई बड़ा प्लेयर नहीं है जिसपे लोगों को व्यूज और सब्सक्राइबर और लाइक शेयर वाला चक्कर हो, लोग ज्यादा नॉर्मली ऐसे प्लेयरों को प्रमोट करते हैं। रजत पाटीदार की आज भी इतनी बात नहीं होगी जिस तरह से 240 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने इंपैक्ट बारी खेली है, विराट कोहली से भी अच्छी हिटिंग की है, अच्छा डोमिनेट किया, बहुत ज्यादा काबिले तारीफ है। और जो मैं आपको बात कह रहा हूं T20 क्रिकेट आईपीएल ने बदला के रख दिया यार, आईपीएल ने T20 क्रिकेट की जो है ना सारी डायमेंशन ही चेंज करके रख दिया यार। बहरहाल यार आईपीएल की विराट कोहली की आरसीबी इस टीम है टूर्नामेंट में बनी हुई है, और किंग्स इलेवन पंजाब का पुराना नाम जो मेरे मुंह पे चढ़ा हुआ है अभी पंजाब किंग्स है, प्रीति जिंटा की वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए, उनके लिए हार्ट ब्रेक वाला सीन्स है, बट कंग्रेचुलेशंस टू विराट कोहली फैन आरसीबी फैन के भाई आपकी टीम कोहली की आरसीबी जो है कमाल की टीम है, मतलब जब तक आप उससे उम्मीद करते रहते हैं वो आपको डिसअपॉइंट करती रहती है, और जैसे ही आप उम्मीद छोड़ना शुरू करते हैं ये टीम पलटकर ऐसे परफॉर्म करती है कि आप हैरान हो जाते हैं, यकीन नहीं कर पाते, और फिर आप कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं कि जी फलानी टीम फलाने को हरा दे, फलानी टीम फलाने से हार जाए, फलाने का नेट रन रेट थोड़ा सा कम रह जाए तो जी हमारी टीम जो है पहुंच जाएगी। हाँ
आरसीबी अभी भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है और आरसीबी की प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा हैं, क्योंकि लगातार चौथा मैच फाफ डुप्लेसी विराट कोहली की आरसीबी ने जीता है। पंजाब मुंबई के बाद दूसरी टीम बनी है जो आईपीएल 2024 से एलिमिनेट हुई है। पंजाब की किस्मत क्या ही कहा जाए, 15वीं बार पंजाब आईपीएल से एलिमिनेट हुई है। आईपीएल की सबसे झंडू टीमों में पंजाब का नाम आप शामिल कर सकते हैं जो सबसे ज्यादा बाहर जाती है। लेकिन आरसीबियंस आज चौड़े में है, क्योंकि आरसीबी ने पंजाब को 60 रनों से हराया, 241 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर, और उसके बाद 17 ओवर में 10 विकेट निकाल दिए 181 रन पर। मोहम्मद सिराज जो है आज सूर्य कुमार यादव की तरह रुक जाओ ठहर जाओ हम है कर रहे थे, स्वप्निल नए गेंदबाज कमाल कर रहे थे, कैमरन ग्रीन धमाल कर रहे थे, कर्ण शर्मा जो है वो बवाल काटे बैठे थे। ओवरऑल इट वाज अ कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस और इसी के चलते पंजाब ऑल आउट होकर बाहर हो गए। लेकिन आरसीबी कमाल है, पहले 8 मैच में जो टीम सिर्फ एक मैच जीतती है 7 मैच हारती है, बीते 4 मैचेस में 4 बड़े मैचेस वो जीत जाती है, और मुंबई पंजाब ये दो बाहर हो जाती हैं। आरसीबी फिलहाल एक शानदार कमबैक की कहानी लिख रही है। आरसीबी ने एसआरएच जैसी बड़ी टीम को 35 रनों से हराया, जीटी को जीटी के घर में जाकर हराया, एक बार 9 विकेट से, एक बार 4 विकेट से, और अब पंजाब को पंजाब में 60 रनों से हराया। 4 बड़ी जीत और इससे उनकी प्लेऑफ की उम्मीदें जो है बरकरार हो गई है। अब अगर आरसीबी को क्वालिफाई करना है तो फिर आरसीबी को अपने सारे मैचेस जीतने होंगे और साथ में वही जो पुराना फॉर्मूला था, फलानी टीम फलाने को हरा दे, फलानी टीम फलाने से हार जाए और फलाने का नेट रनरेट कम हो जाए। तो कहानी गुरु ये है कि अगर आरसीबी को अब यहां से क्वालिफाई करना है तो फिर लखनऊ सुपर जायंट को एक या ज्यादा मैच हारना पड़ेगा। लखनऊ के बचे हुए मैचेस में कम से कम एक मैच वो हारे, या ज्यादा हारते हैं तो भी काम बन जाएगा, एक भी हारेंगे तो भी काम बन जाएगा। लखनऊ अब केवल दोनों मैच जीतकर ही क्वालिफाई कर सकती है, क्योंकि बीते मैच में एसआरएच ने जो उनको नेट रन रेट का डेंट दिया है उस डेंट से उभर पाना बिना जीत के मुमकिन नहीं है। सीएसके को कम से कम 2 मैचेस हारने होंगे, कम से कम 2 मैचेस अगर सीएसके को बाहर होना। बड़ी बात आरसीबियंस के लिए है कि आरसीबी का एक मैच सीएसके से बाकी है, तो मेरे ख्याल से तो सीएसके वाला जो मुकाबला है वो उनके लिए डू और डाई मैच होगा। सबसे बड़ा मैच होने वाला है विराट वर्सेस धोनी का, क्योंकि उस मैच में अगर सीएसके जीत जाती है तो उसकी क्वालिटी, अगर कोई मजबूरी नहीं थी तो, अगर तुम लोग ऐसे कोई मूवीज वगैरह देख रहे थे तो भाई इससे बड़ी मूवीज ही कोई नहीं थी। आज जो मैच हुआ है मतलब आतंक मचा के रख दिया, कोहली के 92 रन, उसका वो रन आउट, वो जो कौन है यार शशांक सिंह को जो रन आउट किया है, मतलब बिल्कुल मैं बोलूंगा करेले की तरह भाई छील दिया सबको, ऐसे इतना मारा है विराट कोहली ने। और उसकी बैटिंग, उसकी बॉलिंग, उसकी सॉरी बॉलिंग उसकी फील्डिंग की वजह से आज यहां पर रॉयल चैलेंजर्स, मतलब जो आज आरसीबी खेली है ये आरसीबी नहीं हमारी, मतलब जो पहले खेल रही थी 5-7 मैचों में, 8 मैचों में जो पहले खेली है, हमें यकीन करो यकीन ही नहीं आ रहा कि भाई यही आरसीबी की टीम थी वो। हालांकि वो इससे बेहतर लग रही थी टीम, उसके अंदर बड़े बड़े प्लेयर्स थे, मैक्सवेल वगैरह पता नहीं कौन कौन उसके अंदर शामिल थे, वो टीम हमें इससे बेहतर लग रही थी, लेकिन उस टीम ने हमें जलील किया था। जबकि ये आरसीबी का जो 2.0 वाला वर्जन है इसने हिस्ट्री बदल के रख दी। 4th लगातार जीत, 4th विन इन रो, यार हमारे पास 2 और जीतें होती ना, पिछले जो 7 हम हारे हैं, यकीन करो प्लेऑफ में किसी का, मैं कहता हूं ट्रॉफी उठाने से किसी का मामा भी नहीं रोक सकता था हमको। लेकिन शांक सिंह को एक डायरेक्ट हिट मार के उस बंदे को आउट कर दिया जो कि मैच विनर साबित हो सकता था पंजाब किंग्स के लिए। और विराट कोहली आप देखें कि पहले 92 रन बनाए, इतनी देर क्रीज पर रहे, डबल भी निकाले, सिंगल्स भी निकाले, और उसके बाद इतनी एनर्जी इस बंदे में कि वो जो 20-25 कदम दूर से दौड़ के आके थ्रो लगाया, डायरेक्ट हिट लगा, और जो आज सुशांत सिंह आउट हो गए। यानी कि ये होता है मैच विनर, कि जो बैट से भी काम कर दे, बैट से ना हो तो बॉल से कर दे, बॉल से ना हो तो अपनी फील्डिंग से करके दे दे, ये विराट कोहली है भाई। और आज तो विराट कोहली ने सबकी बोलती बंद की है। वैसे भी आप देखें कि पंजाब किंग्स 241 चेज कर रहे थे लेकिन बिल्कुल नाकाम नजर आए आरसीबी के बॉलर्स के सामने, और बिल्कुल ही जो है वो उस तरह की परफॉर्मेंस आई ही नहीं है। रिले रोसव की बात करें और साथ में जो है वो थोड़ी सी परफॉर्मेंस जो है सुशांत सिंह से आई है, बाकी कोई बंदा परफॉर्म नहीं कर सका है। आरसीबी की बात करें तो 20 ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पे 241 रन बना लिए, जिनमें आप देखें कि विराट कोहली के 47 बॉलों पे 92 रन, 7 चौके, 6 छक्के, 195 का स्ट्राइक रेट। और वो जो लोग स्ट्राइक रेट में बात कर रहे थे ना कि कोहली का स्ट्राइक रेट, जी कोहली ने जो स्लो खेलता है, जी अपने लिए खेलता है,
सबकी बोलती विराट कोहली ने बंद कर दिया, चुप्पी लगा दिया सबके मुंह पे विराट कोहली ने। और आज बहुत कमाल की, बिल्कुल जो है वो लाजवाब किस्म की विराट कोहली की जनब से बैटिंग देखने को मिली है, और कोई बगैर किसी डर के विराट कोहली खेल रहे थे। उठा उठा के बंदा छक्के मार रहा है भाई जो है वो, और घुटने टेक छक्के जो है वो जा रहे हैं विराट कोहली के, एक हाथ से भी लगा रहे हैं वो भी छक्का जा रहा है, बाउंड्री से बाहर जा रही है बॉल। और फिर साथ में रजत पाटीदार, इस बंदे की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है भाई, जब से इसने कमबैक किया हुआ है ना आरसीबी की तकदीर बदल गई है। रजत पाटीदार जब से कमबैक किया आरसीबी मैच जीत रही है भाई, और हर मैच में ये बंदा 20 बालों पे 50, 21 बालों पे 50, 22 बालों पे 50, 230 से नीचे इसका स्ट्राइक रेट आ ही नहीं रहा है। आज के मैच में भी आप देखें 23 बाले 55 रन 3 चौके 6 छक्के और 239 का स्ट्राइक रेट। इसके हवाले से बातें हो रही थी कि इसको निकाल दो यार, ये बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन उसने करके दिखाया और आरसीबी को एक ऐसी जगह पे ले आया ना ये कि जहां से आरसीबी प्लेऑफ्स खेल सकती है, यहां तक आरसीबी आ चुकी है। अब उसके बाद कैमरन ग्रीन की बात करें, 27 बाले 46 रन 5 चौके 1 छक्का 170 का स्ट्राइक रेट। इन तीनों बल्लेबाजों की बैटिंग की बदौलत 241 जैसा टोटल आरसीबी ने बना लिया। और बॉलर्स की बात करें तो बहुत चाव पिटाई हुई है हर्षदीप सिंह की, 3 ओवर्स में 41 रन। ये वो हर्षदीप सिंह है जो इंडिया के वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा है, और स्क्वाड में जब से इनको शामिल किया गया वर्ल्ड कप के, उसके बाद इनकी धुलाई हो रही है। और मुझे ये भी पॉसिबल लग रहा है कि शायद इनको जो है भुवनेश्वर कुमार वर्ल्ड कप में रिप्लेस कर लें, क्योंकि बूवी की परफॉर्मेंस बड़ी कमाल की हो रही है, और दूसरी साइड हर्षदीप सिंह बिल्कुल ही धुलाई खाए जा रहे हैं, हर मैच में धुलाई। तो ये बात आप याद रखिएगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और फिर हर्षल पटेल 4 ओवर्स में 38, 3 विकेटें तो ली हैं लेकिन लास्ट ओवर में ली हैं, उनका कोई वो तब मकसद नहीं था, ठीक है। राहुल चहर 3 ओवर्स में 47 रन, कोई विकेट नहीं मिली है। सैम करन 3 ओवर्स में 50 रन देके एक विकेट हासिल किया है। जब आप इतनी धुलाई खाते हैं ना, फिर जो आपके पास पीछे कुछ बचता नहीं है, फिर यही 240 241 तक की जो है टीमें जाती हैं, जो कि आज जो है वो आरसीबी की टीम ने करके दिखाया। और जब पंजाब की बारी आई भाई, पंजाब की जनब से प्रभ सिमरन 6 बना के आउट हुए, और स्वप्निल सिंह ने जो है इनको एलबी आउट किया। फिर बैरिस्टो की बात करें, 16 बालों पे जो है वो 27 रन इन्होंने बनाए, और डुप्लेसी ने इनका कैच पकड़ा, और क्या कमाल का वो कैच था यार, पीछे भागते हुए वो कैच, एक अनबिलीवेबल कैच, और शायद वो टर्निंग पॉइंट था, या वो टर्निंग पॉइंट था, या विराट कोहली ने वो जो थ्रो मार के शशांक सिंह को आउट किया है ना, वो इस मैच का टर्निंग पॉइंट था। करियर की 10वीं सेंचुरी होती आज, आईपीएल की 9वीं सेंचुरी आज होती, लेकिन यार विराट कोहली भाई साहब, कौन समझाए विराट कोहली को, जब एक गेंद पहले छक्का आ चुका था कवर के ऊपर, फिर क्या फायदा था दूसरी बार, हर बार कवर पे छक्के नहीं मारने जाते, कवर पे छक्का मारना इतना आसान नहीं था। हाँ, विराट कोहली ने छक्का मार दिया, लेकिन फिर से कवर पे ट्राई किया और जो है कि कैच आउट हो गया, और उन लोगों को जोरदार जिसने जो है ना विराट कोहली ने चमाटे करा दी मुंह पे, जो कहते हैं कि विराट कोहली स्लो खेल रहा है। हाँ, सुनील गावस्कर ने भी यही कहा था कि विराट कोहली स्लो खेल रहा है आईपीएल में, कम स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, लेकिन आज विराट कोहली ने साबित कर दिया, और उन हिटर्स लोगों को जो है कि मुंह तोड़ जवाब दे दिया। 47 गेंदे 92 रन, अगर वो आउट ना होते ना उस गेंद पर, तो वो भी छक्के की ट्राई पे मारा, उसने छक्का ही था, लेकिन क्या कि वो आउट हो गया, अगर ना आउट होता छक्का होता तो 48 बॉलों पर जो है कि 97 रन बन सकती थी, फिर जो है कि अगली 2 गेंदों पर सेंचुरी पूरी हो जाती, अगर आउट ना होता तो 48-49 गेंदों पर विराट कोहली की आज सेंचुरी पूरी हो जाती, जो विराट कोहली को ट्रोल कर रहे थे उनको और जो है कि जवाब अच्छी तरीके से मिल जाता। लेकिन फिर भी विराट कोहली ने कमाल दिखाया भाई, जब उसने पहला छक्का मारा बाहर निकल के मारा, दूसरा छक्का वन हैंडेड बाहर निकले लेकिन वो भी वन हैंडेड और वो भी सीधा, और तीसरा छक्का स्वीप, चौथा छक्का सैम करन को जो मारा था, इस आईपीएल का बेस्ट सिक्स वो कहा जाएगा विराट कोहली की तरफ से। विराट कोहली ने जितने भी छक्के मारे हैं ना इस आईपीएल में, आज के 3 छक्के सबसे ज्यादा बेस्ट हैं आज के। एक सैम करन को मारा था स्वीप करके, और जो है कि एक उसने वन हैंडेड बाहर निकल के मारा, फिर जो है कि आखिरी जो उसने कवर के ऊपर मारा था हर्षदीप सिंह को, वो छक्का विराट कोहली का जो है कि एक अलग लेवल का छक्का था। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आईपीएल की तारीख के सबसे ज्यादा तो रन विराट कोहली के हैं,
सबसे ज्यादा 100 भी इसके हैं, लेकिन चार बार 600 का आंकड़ा पार करने वाला ये पहला खिलाड़ी हो गया आईपीएल हिस्ट्री में विराट कोहली। आज उसने जो है कि 600 रन भी कंप्लीट कर दिए और बेंगलोर की टीम ने आज विराट कोहली, रजत पाटीदार और कैमरून ग्रीन के बदौलत आज बेंगलोर ने 241 रन ठोक दिए। अगर यहां पर हैदराबाद की टीम होती तो 300 पक्का था। और जो है कि कोहली का साथ अगर किसी और बैट्समैनों ने अच्छी तरीके से दिया होता तो आज भाई 250-350 स्कोर पक्का बन जाता, जिस तरह रजत पाटीदार खेला, बहुत अच्छा खेला। अगर कोई भी एक टीम दो मैच हार गई तो आरसीबी का काम बन जाएगा। आरसीबी लखनऊ की टीम एक मैच हार जाए और आरसीबी जो है वो दिल्ली कैपिटल और सीएसके को हरा दे, यानी अपने मैचेस सारे जीत जाए और सामने वाली टीम में एलएसजी एक मैच हार जाए, सीएसके या एसआरएच में कोई भी टीम दो मैच हार जाए तो फिर इनकी बल्ले बल्ले है। डीसी भी एक कॉम्पिटिटर है, लेकिन क्योंकि डीसी का मुकाबला आरसीबी से ही है, ऐसे में आरसीबी कोशिश करेगी शायद वो जीत जाए तो सारी कहानी उनकी हो जाएगी। आरसीबी का फिलहाल नेट रन रेट जो है पॉजिटिव में है 0.22, ऐसे में वो खुश होंगे। इस मैच में विराट कोहली ने एक शानदार रनआउट किया शशांक सिंह को, और मेरे हिसाब से वो मैच का एक बड़ा मोमेंट था क्योंकि शशांक अच्छा खेल रहे थे, 19 बॉल पर 37 बनाकर खेल रहे थे, उनको आउट किया, वहां से मैच पलटा। तो विराट सिर्फ बल्ले से कमाल नहीं कर रहे बल्कि फील्डिंग में भी एफर्ट डाल रहे हैं। बीते मैच में विराट कोहली ने एक शानदार रनआउट किया था शाहरुख खान का, जो भी मैच बदलने वाला था इस मैच में इनको आउट किया। तो विराट धीरे धीरे इम्पैक्ट बढ़ा रहे हैं। और इस मैच में एक और खास बात मुझे जो नजर आई वो ये थी कि दिनेश कार्तिक ने राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड तोड़ा, 912 रन कार्तिक बना चुके हैं। हालांकि आपको हैरान होने की जरूरत है कि विराट कोहली 7,897 रन बना चुके हैं और उनके बाद जिस दूसरे इंडियन प्लेयर ने सबसे ज्यादा रन आरसीबी के लिए बनाए हैं दैट इज दिनेश कार्तिक 912। आज तक विराट के अलावा कोई भी आरसीबीएंस 1,000 रन नहीं बना पाया और एक ये बड़ी वजह है कि इनकी टीम की हालत इतनी बुरी क्यों होती है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। इस मैच का एक बड़ा मोमेंट था राइली रूसो का अर्धशतक को सेलिब्रेट करना, वो जो स्टाइल में सेलिब्रेट किया था। हालांकि राइली रूसो जब आउट हुए तो उनके विकेट को जिस तरह से विराट कोहली ने सेलिब्रेट किया वो भी अपने आप में कमाल था। राइली ने 27 बॉल पर 61 रन बनाए, जबरदस्त बल्लेबाजी वो कर रहे थे, रहते तो शायद कहानी अलग हो जाती। सैम करन ने इस मैच में अपने फैंस से माफी मांगी, हालांकि इस मैच में माफी अगर किसी को मांगनी या इस सीजन के लिए माफी मांगनी चाहिए थी तो वो मेरे ख्याल से जितेश शर्मा होने चाहिए, बिकॉज जितेश शर्मा आईपीएल 2024 के सबसे बड़े डिसअपॉइंटमेंट थे, सबसे बड़े डिसअपॉइंटमेंट जितेश शर्मा। जितेश शर्मा इस मैच में भी फ्लॉप रहे, 4 बॉल पर 5 रन बनाए और पूरे सीजन वो फ्लॉप रहे, एक मैच में भी तमीज से रन नहीं बना पाए। और दुख इसलिए होता है क्योंकि इनके चक्कर में विकेटकीपर वाला बवाल शुरू हुआ था, इनके चक्कर में ही शुरू हुआ था जिसके चलते ईशान किशन को बाहर किया गया था, उसके बाद से बहुत सारे इश्यूज हुए। लेकिन जितेश ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस साल खोई है और वो देखने की बात थी। विराट कोहली इस मैच को पूरा यूटिलाइज किया, 47 बॉल पर 92 और एक बोल्ड स्टेटमेंट दिया। रजत पाटीदार इस मैच के एक दूसरे हीरो थे, 23 बॉल 55 रन और इन्हीं की बल्लेबाजी की बदौलत 241 पंजाब के सामने लगाया था। विराट ने इस मैच में बहुतेरे रिकॉर्ड बना दिए जिससे सेकेंड मोस्ट सक्सेस में आ गए इंडियन प्लेयर में, 30 छक्के मार चुके हैं उनका एक क्लासन हेड नरेन है 30-31-32 और अभिषेक ओवरऑल हाईएस्ट है 35 छक्कों के साथ, तो ये एक कहानी चल रही है। बट विराट के इस मैच में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड है, बहुत सारे रिकॉर्ड बन गए। विराट लीडिंग रन गेटर हो गए हैं 634 रन, 70 के एवरेज पे 600 प्लस रन बैक टू बैक सीजन में, 4 बार वो कर चुके हैं 600 प्लस रन। सो ओवरऑल रिकॉर्ड्स और विराट का चोली दामन का साथ है। मोस्ट रन आईपीएल में विराट कोहली, मोस्ट 400 विराट कोहली, मोस्ट 500 विराट कोहली, मोस्ट जॉइंट 600 विराट कोहली, कोहली के नाम इतने रिकॉर्ड हैं कि आप कंपेयर नहीं कर सकते। और बड़ी बात है कि 35 साल की उम्र में वो बेहतर हो रहे हैं, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 2024 के पावर प्ले में 160 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। सो ओवरऑल ग्रेट 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 इम्प्रूवमेंट, क्रेजी इम्प्रूवमेंट। अब सवाल यही है कि क्या आरसीबी क्वालिफाई कर पाएगी, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्या पता इस साला कप नाम दे। और धमाकेदार परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है, आज एक धमाकेदार मैच देखने को मिला आरसीबी की तरफ से। क्या समझते हैं सर, आरसीबी बॉटम ऑफ द टेबल थी जो है ना, प्लेऑफ्स में घुसने की उसकी तैयारियां हैं, तो क्या समझते हैं आज के मैच के बारे में, क्या खास तौर पे कहेंगे सर? बड़े जो है वो
मुश्किलों से जो है वो दीदावर में हुआ, बच्चा पैदा क्या हुआ जो भी वो पैदा हो गया। लेकिन अब देखिए विराट कोहली आज भाई अपनी फुल फॉर्म में थे, 92 स्कोर करके गए हैं। उसके बाद अगर उनकी बैटिंग लाइन देखें, बॉलिंग लाइन देखें, भाई दोनों जो है वो जाग गए हैं उनकी, दोनों फॉर्म में आ गए और अब उनको मेरे ख्याल से कोई जो है आरसीबी को रोक नहीं सकता। अब तो फॉरन प्लेयर भी फॉर्म में आ गए, अब तो फॉरन प्लेयर भी फॉर्म में आ गया। आज कैमरन किनी को भी होश आ गई है, ठीक है। रजत पाटीदार ने भी आज बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया। अब ये जो है वो मुझे लग रहा है 100% जो है ये प्लेऑफ्स में जा रहे हैं, इनको कोई नहीं रोक सकता। मतलब पहले आप ये समझते कि आरसीबी की तरफ से सिर्फ विराट कोहली खेल रहा था, लेकिन अब टीम खेल रही है, अब टीम खेल रही है। बात पहले थी जितने मैचेस पहले ये हारे हैं सिर्फ उसमें विराट कोहली खेल रहा था, अब जो है पूरी ओवरऑल टीम जो है वो पार्टिसिपेट करे, तो दिस इज द पॉजिटिव पॉइंट फॉर आरसीबी। और अब देखें अगले मैच दो रहते हैं, वो जीत जाएंगे तो इनको कोई भी नहीं रोक सकता जो है प्लेऑफ्स में जाने। नहीं, अब निजाम जो है ना वो कुदरत वाला बना हुआ है, पाकिस्तानी टीम जैसा सेम आरसीबी का जो है निजाम बना हुआ है, लेकिन दूसरी टीमों को भी हारना पड़ेगा अगर आरसीबी ने प्लेऑफ्स में जाना है। एलएसजी को अपना एक मैच हारना पड़ेगा, और एलएसजी इतनी बड़ी टीम भी नहीं है, वो हार जाएगी, उसका कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन विराट कोहली को जो अगले दो मैचेस जीतने पड़ेंगे, और जहां तक मुझे लग रहा है क्योंकि बॉलिंग में सिराज भी कमबैक कर चुके हैं, आज 3 विकेट वो लेके आए, और बाकी अगर परफॉर्मेंस देखें तो बाकी जो बॉलर्स हैं वो भी 2-2 विकेट उड़ा के ले गया, ठीक है। तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों जो इस टाइम रूट पे जा रहे हैं आरसीबी का, और मुझे नहीं लगता आगे एक सीएसके के साथ मैच है और एक और दूसरी टीम के साथ मैच है, तो मुझे लगता है कि ये 99% जो है वो जीत चुके हमें और आरसीबी जो है वो क्वालिफाई कर चुका हुआ है। और मुझे लगता है जैसे अब ये मुश्किल से जो है वो क्वालिफाई किया उन्होंने प्लेऑफ के लिए, अब ये जीत के भी दिखाएंगे ट्रॉफी इन्हीं की। ट्रॉफी इन्हीं की। अच्छा, पंजाब किंग्स की बुरी परफॉर्मेंस आज हमें देखने को मिली है, 262 उन्होंने एक दफा आपको याद होगा कि चेस किया था, लेकिन आज जो है ना खास तौर पे बैटिंग में परफॉर्मेंस देखने को मिली नहीं है, क्या समझते हैं ये आरसीबी ही उनकी बॉलिंग अटैक भी ना, आरसीबी भी एक दो प्लेयर्स के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही है, आशुतोष के ऊपर डिपेंड कर रही थी, शशांक के ऊपर डिपेंड कर रही थी, तो ये दो प्लेयर आज नहीं परफॉर्म कर पाए तो उनकी सारी टीम जो है फ्लॉप हो गई है। पिछले मैच भी अगर किसी ने खेला है तो वो आशुतोष ने परफॉर्म किया, शशांक ने परफॉर्म करके दिखाया, उसके अलावा कोई किसी ने परफॉर्म नहीं किया। उनकी बॉलिंग लाइन भी जरा जो है वो कोई इतनी तगड़ी लाइन नहीं है, ठीक है। अर्षदीप सिंह है, वो अकेला बंदा तो कुछ भी नहीं है ना। तो सैम करन भी है, सैम करन फारिग है, सैम करन क्या कैप्टन बना दिया जो कि डिजर्व ही नहीं करता था, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो लोग जो है ये आगे क्वालिफाई, तो वैसे ही आज बाहर हो चुके हैं, हमें मुंबई इंडियंस भी बाहर हो चुकी हुई है, पंजाब भी बाहर हो चुकी हुई है, और अब आगे देखो किसका नंबर लगता है, अब आरसीबी का इंतजार है कि वो क्वालिफाई करे। चलिए, विराट कोहली की जो खास आज परफॉर्मेंस देखने को हमें मिली है, सेंचुरी से दुख हुआ आपको? मुझे ये था कि हमेशा हमने उसकी सेलिब्रेशन का इंतजार करते हैं, जैसे वो सेलिब्रेट करते हैं उसका हमेशा पाकिस्तानी फैंस भी और इंडियन फैंस उसका हमेशा इंतजार करते हैं। लेकिन वो टीम के लिए खेल रहा था, अगर अपने लिए खेलता तो जैसे बाबर आजम अपने लिए खेलता है, अगर अपने लिए खेलता तो सेंचुरी भी आराम से करके जा सकता था। लेकिन क्या समझते हैं विराट कोहली की ये जो कंसिस्टेंसी है ये वर्ल्ड कप में भी हमें देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी? देख लें, जिसने जो जो T20 वर्ल्ड कप के अंदर सेलेक्ट हो रहे हैं सारे जो है वो सेंचुरीज 50 प्लस 90 प्लस स्कोर करके जा रहे हैं, और ये बड़ी हुसैन बात है इंडिया के लिए, और मुझे लगता है इंडिया आईपीएल में यहाँ आरसीबी जीत के जा रही है और वहाँ इंडिया को कोई रोक नहीं सकता T20 वर्ल्ड कप में जीतने के लिए। चलिए।